हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में, जो कि फार्मा सेक्टर की यह कंपनी है। और फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको फ्यूचर में भी ज़बरदस्त ग्रोथ नज़र आएगा ही, क्योंकि हर किसी को मेडिसन्स और दवाइयों की तो ज़रूरत रहती ही है फ्रेंड्स। तो इस कंपनी के रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, बड़ी खबर निकल के आई है, उसके ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा और कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल भी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज तकरीबन 20% के आसपास की तेज़ी के साथ यह स्टॉक्स कारोबार करता हुआ नज़र आया है, और पिछले 5 दिनों की मैं बात करूँ तो 50% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल चुका है, और पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 1600% का रिटर्न यहाँ पे मैं देखने को मिल रहा है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यानी फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि यह कंपनी ज़बरदस्त कारोबार कर रही है, लेकिन आप पहले पूरा वीडियो देखें सुने, उसके बाद ही किसी भी तरह का कोई बाय और सेल का यहाँ पे आप डिसीजन बनाइए। तो सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के कारोबार और बिजनेस की बात करें, तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह कंपनी 1988 में कॉरपोरेट हुई थी, और देखा जाए तो बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट एंड अदर फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर यह कंपनी कारोबार करती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो तकरीबन 1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी तकरीबन 26 के आसपास नजर आ रहा है, जो कि इंडस्ट्रीज का पी तो काफी हाई है, तो उसके मुकाबले यह स्टॉक काफी सस्ता देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो तकरीबन 71% का यहाँ पे हमें आरओई नजर आ रहा है, यानी जबरदस्त यहाँ पे हमें आरओई देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू भी 5 रुपये का देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द एक जो बड़ी खबर है स्प्लिट को लेकर, तो उसके चलते यहाँ पे फेस वैल्यू आपको 1 रुपये का होता हुआ नजर आएगा। तो क्या खबर है वो भी जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि स्टॉक्स कंटिन्यूसली अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और 200 दिनों का जो ईएमए है उसके ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। कभी भी यहाँ पे कोई भी गिरावट देखने को मिलती है तो ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके एक बहुत बढ़िया वी टाइप यहाँ पे वी शेप में रिकवरी नज़र आ रही है। रिसेंटली भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमें वी शेप में बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है, और साथ में देखा जाए तो यह कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी नज़र आ रही है, और कंपनी का सेल्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स आपको कंटिन्यूसली ज़बरदस्त ग्रो करता हुआ नजर आएगा। पिछले 1 साल में तो ज़बरदस्त तेज़ी की सिचुएशन हमें यहाँ पे सेल्स में देखने को मिली है। इस बार Q3 में तकरीबन 1835 करोड़ के आसपास का सेल्स देखने को मिला है, जो कि अगर मैं कंपेयर करूँ दिसंबर 2022 यानी 1 साल पहले देखा जाए तो सेल्स तकरीबन 175 करोड़ के आसपास का था, तो वो सेल्स यहाँ पे ज़बरदस्त इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ आफ्टर टैक्स, तो जो नेट प्रॉफिट निकल गया है वो तकरीबन 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला इस बार Q3 में, जो कि आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 7 करोड़, उससे पहले 5 करोड़, तो सीधा जंप यहाँ पे 46 करोड़ का देखने को मिला है। तो ओवरऑल फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, और जो बड़ी खबर निकल गई है वो भी फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों के सामने है। कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से BSE को यहाँ पे एक फाइल सबमिट किया है, जो कि यह कंपनी BSE में लिस्टेड है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टॉक्स आपको स्प्लिट होता हुआ नजर आएगा, और उसका फ्रेंड्स यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी निकल के आ चुका है 23 फरवरी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 23 फरवरी के दिन ये स्टॉक स्प्लिट होता हुआ नजर आएगा 1:5 में। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके पास 1 शेयर होगा उसको 5 शेयर मिलेंगे, जिसके पास 5 शेयर होगा उसको 50 शेयर मिलेंगे, और जिसके पास 50 शेयर होगा उसको 500 शेयर मिलेंगे, यानी 1:5 में स्टॉक्स आपको स्प्लिट होता हुआ नजर आएगा February 23, 2024 के दिन। तो डेफिनेटली स्टॉक्स के ऊपर फ्रेंड्स आपकी नज़र होनी चाहिए, जो कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई स्टॉक स्प्लिट होता है तो उसके बाद उस स्टॉक्स में बहुत बड़ी चाल देखने को मिलती है, जो कि स्टॉक्स का प्राइस कम हो जाता है। वैल्यू तो स्टॉक की वही रहती है लेकिन प्राइस कम होता है, उसके चलते बाय और सेल्स की जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है, इसके चलते बाय और सेल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली स्टॉक्स में मुझे लगता है बहुत बड़ी चाल देखने को मिल सकती है, तो स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, और किसी भी तरह को इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी जरूर सलाह लेनी है।